वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फूडी लखन। तो फ्रेंड्स, आज हम जमाने वाले हैं, बनाने वाले नहीं, जमाने वाले हैं दही। वो भी एक बूंद आपके दही में पानी नहीं बचेगा फ्रेंड्स। 100% प्योर दही बनने वाला है आज। तो उसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, फुल क्रीम दूध लेंगे हम यहाँ पर 1 लीटर। उसमें थोड़ा सा हम लास्ट में थोड़ा सा उसमें कर्ड यानी दही का उपयोग करेंगे। तो करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको दूध को उबालना है, वो भी 15 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर तपेली को रख दिया गैस के ऊपर और 15 मिनट तक हम इसको अच्छे से उबालना है। और उबालने में हल्का सा इसमें गाढ़ापन आना चाहिए फ्रेंड्स, तभी दही परफेक्ट दही जमेगा और इसमें बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो पे, हम इसको 15 मिनट के लिए उबलने देंगे। अभी दूध अभी ठंडा है, इसको तो हम फुल फुल चाल कर देंगे गैस की। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दूध को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हम इसको 5 मिनट के और उबालेंगे। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप। इसमें अच्छा हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ापन आना चाहिए ताकि जो दही बनने वाला है वो एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बिना पानी के बनने वाला है। तो इसको 5 मिनट के लिए इसी प्रकार से उबलने देंगे मीडियम चाल पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूध लगभग हमने 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। देख सकते हैं इसमें हल्का सा खड़ापन भी आ गया है। तो हम गैस को अब कर देंगे बंद और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, दूध हमारा ठंडा हो गया है और इस पर अच्छी सी मलाई देख सकते हैं आप। लेकिन मलाई को हमको मिक्स कर लेना है, हमारे पास इस पर मिक्स मेशर है। इससे आपको इस मलाई को अच्छे से दूध के अंदर फेंट लेना है फ्रेंड्स, ताकि जब दही जमे तो मिक्स में पूरे दही में अच्छे से ये क्रीम मिक्स हो जाए और हमारा दही एकदम जमेगा, जो फर्स्ट क्लास बिल्कुल एकदम बिल्कुल गाढ़ा जमेगा और मलाई मिक्स जमेगा। तो इसको अच्छे से इस प्रकार से फेंट लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने सारी जो क्रीम है उसको अच्छे से फेंट लिया है, दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है, कहीं भी दिख नहीं रही है। तो आप सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा ये बर्तन है मिट्टी का, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बर्तन है, इसमें हमको दही जमाना है। तो दूध को हम इसमें एंटर कर लेंगे। दूध को फ्रेंड्स हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कम चाल पे हमने उबाला है, इसलिए इसमें गाढ़ापन भी अच्छे से आ गया और हल्का सा पीलापन भी दिख रहा होगा आपको। अब इसमें क्या करना है, बिल्कुल ठंडा हो गया है दूध, अब इसमें हमको जो हमने थोड़ा सा दही लिया है इसको ऐड कर देना है। इसमें थोड़ा करके इसको चारों हिस्से में थोड़ा सा करके इसको इस प्रकार से डाल देना है और इसको हिलाना नहीं है, चूल्हा कर दिया है तो दूध फट जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए दूध को पहले अच्छे से ठंडा कर ले, उसके बाद ही इसमें आप दही मिलाएं, नहीं तो दही भी जमेगा भी नहीं और बिल्कुल दानेदार बेकार हो जाएगा, बिल्कुल जैसे दूध फट जाएगा इस प्रकार से आप हो जाएगा। इसलिए दूध को पहले ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद ही उसमें आप दही मिलाएँ और उसको आपको इस प्रकार से ढक देना है और इसको एक गर्म जगह पे रख देना है, बिल्कुल कपड़े में लपेट कर, और तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए आप इसको रख देना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स 4 से 6 घंटे के बाद, हम इसको कपड़े में लपेट देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने कपड़ा ले लिया है, इसको इस प्रकार से पैक कर देना है और दही जो जमेगा एकदम परफेक्ट जमनेगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा कपड़ों में इंटर और इसको गर्म जगह पर यहाँ पर इस प्रकार से रख देना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स 6 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं, अब देखते हैं हम दही की कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट दही, कहीं से भी बिल्कुल पानी आपको दिख नहीं रहा है। और ये मेरा चम्मच से आपको मैं परफेक्ट दही का एकदम निकाल के दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल जरा सा भी पानी नहीं है, पूरा परफेक्ट दही जमा है, बिल्कुल मलाई वाला दही। तो आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से दही जमा सकते हैं फ्रेंड्स,
और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपसे हमको सिर्फ एक लाइक चाहिए, और अगर चैनल पर नया हो तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल और घंटे का बटन जरूर बजा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये देखो परफेक्ट दही बना बिल्कुल।